गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी की हिंदी की बुक का पहला पाठ करेंगे जिसका नाम है प्रार्थना। आप सब अपनी अपनी हिंदी की किताब को लेकर बैठ जाएं और खोल लें पहला पाठ। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। इन पंक्तियों में या इन लाइनों में बच्चा जो है भगवान से कहता है कि हे भगवान, हे दया के सागर, हमें वह शक्ति दो जिससे हम अपने कर्तव्य के मार्ग पर हमेशा स्थिर रहें, डटे रहें, कभी भी विचलित न हो। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। पर सेवा का अर्थ होता है दूसरों की सेवा, पर उपकार दूसरों की भलाई में हम निज जीवन सफल बना जाएं। हे भगवान, हम दूसरों की सेवा कर या दूसरों की भलाई करके अपने जीवन को सफल बना जाएं। अगला है, हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे। हम दीन दुखी का अर्थ है, दीन होता गरीब और दुखी, पता ही आपको, दीन दुखी गरीबों और दुखी लोगों का, और निबल अर्थात जो कमज़ोर लोग हैं उनकी सेवा करके, उनका सेवक बनकर उनके दुख को हर ले। जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। जो लोग अपने कर्तव्य मार्ग से हट गए हैं या अपने मार्ग से भटक गए हैं उनको भी हम उनके मार्ग से पार उतारें और खुद भी विकास की ओर अग्रसर हो जाएं। छल दंभ दवेश पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहें। छल का अर्थ होता है किसी के साथ धोखा करना, दंभ घमंड, दवेश जलन या ईर्ष्या, पाखंड झूठ या दिखावा, अन्याय किसी के साथ कोई भी गलत काम करना से निष्दिन हमेशा दूर रहें। हम इन सब चीज़ों से जो धोखा है, घमंड है, जलने की भावना है या झूठ है, अन्याय है, इन सब से हमेशा दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधा रस बरसाएं। हमारा जीवन शुद्ध और सरल होना चाहिए। सुचि का अर्थ होता है पवित्र, प्रेम सुधा, सुधा का अर्थ होता है अमृत, रस बरसाएं। हम सब पर पवित्र अमृत का, प्रेम रूपी अमृत का रस चारों ओर बरसाएं। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। हमें हमेशा अपनी मान और मर्यादा का ध्यान रहना चाहिए और अपने मान अभिमान पर हमें हमेशा अभिमान रहना चाहिए। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधा रस बरसाएं। हमारा जीवन हमेशा शुद्ध और सरल होना चाहिए। सुचि होता है पवित्र, प्रेम सुधा, प्रेम रूपी अमृत, रस बरसाएं। हम सब पर पवित्र प्रेम रूपी अमृत बरसाएं। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। हमें अपनी आन मान और मर्यादा का हमेशा ध्यान रहना चाहिए और उस पर हमें अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। हे भगवान, हमने जिस भी देश और जिस जाति में जन्म लिया है उस पर हम अपने जीवन को न्योछावर कर दें। अब हमारी बुक के शब्दार्थ आते हैं, एक बार इनको और ध्यान से देखें। सबसे पहले है हमारा कर्तव्य। कर्तव्य का अर्थ है करने योग्य। दया निधे, यहाँ पर दया निधे भगवान या ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। हे कृपा के समुद्र, हे दया के भंडार। निबल का अर्थ होता है निर्बल या कमज़ोर, शक्ति रहित। पर सेवा का अर्थ होता है दूसरों की सेवा करना या भलाई करना। संताप, कष्ट, विकल, दुखी या घबराया हुआ। दवेश,
ईर्ष्या की भावना, दंभ, घमंड, पाखंड, दिखावा, शुचि, पवित्र, सुधा, अमृत, बलिदान, मर मिटना या न्योछावर हो जाना, मान मर्यादा, इज्जत और नीति रीति के नियम। अब नीचे हमारे आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, आप इन्हें ध्यान से देखें। बच्चे ईश्वर से किस चीज़ के लिए शक्ति मांग रहे हैं? इसका उत्तर आएगा गए कर्तव्य मार्ग पर डटे रहने की। हमें निज आन मान एवं मर्यादा का क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए? इसका उत्तर आएगा ग ख। अब प्रश्न नंबर 3, हमारा जीवन होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? इसका उत्तर आएगा क शुद्ध व सरल। प्रश्न नंबर 4, हमें दीन दुखियों एवं निबलों की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए? इसका उत्तर है ख। अब नीचे आते हैं हमारे रिक्त स्थान, इसके पीछे दो ऑप्शन दिए गए हैं, इन दोनों में से मैं छाट के भरना है, मैंने इनको भर के रखा है, वो अपनी बुक में सारे देख के भर लेना। सबसे पहला है हमें कर्तव्य मार्ग पर डटना चाहिए, डटना या हटना, इन दोनों में से क्या आएगा? डटना। हमारा जीवन शुद्ध और सरल होना चाहिए, सरल या तरल में से क्या भरेंगे? सरल। हम गरीबों के सेवक बने, इसमें सेवक और स्वामी में से क्या आएगा? सेवक। परोपकारी का जीवन सफल होता है, सफल या विफल, इनमें से आएगा सफल होता है। आज हम इतना ही करेंगे, आगे जो बाकी हमारा बच गया है पाठ, वो अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।